माय थॉट्स आर पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिवली मैं बिग बॉस हाउस में एंटर होने वाली हूँ और आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज इट्स गोना बी अ न्यू जर्नी फॉर मी. कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफ़ी लोग मिलेंगे, अलग अलग टाइप के मिलेंगे, हर इंसान अलग होता है बेसिकली. सो लेट्स सी, वहाँ पर इतने सारे लोग मिलेंगे तो उनसे भी आई एम श्योर कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ रिश्ते बनेंगे. सो आई एम रियली 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 हैप्पी एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. I guess that was the main reason I have decided to do Big Boss because even my fans I got so many DMs and all stuff. तो मैंने जब मुझे बिग बॉस का ऑफर आया था I was little confused but then I was like see अभी तक मुझे जनता ने प्यार किया है तेजो से, I mean तेजो से जनता ने प्यार किया है, but Priyanka now I guess it's time to shine for Priyanka and Priyanka को शाइन करने का जो प्लेटफॉर्म मिला बिग बॉस इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं बिग बॉस करूँगी. और प्रियंका को लोग कितना प्यार करेंगे कितना नहीं ये मुझे लगता है कि आई थिंक वो तो बाद में ही पता लगेगा, बट आई एम श्योर कि हमारे जो मेरे जो प्यारे प्यारे फैंस हैं दे गोना लव मी सो मच बिकॉज एनी वेज हम जैसे उडारिया के भी BTS उन्हें देते थे तो उसमें भी दे यूज टू लव मी लॉट. बट लेट्स सी अब आगे कितना प्यार मिलता है. I guess Big Boss is totally different. वहाँ पर ना कुछ I mean बिल्कुल आउटर वर्ल्ड से आपका कोई कनेक्शन नहीं है. ऐसे में आप कैसे सर्वाइव करोगे, कितने सिचुएशंस फेस करोगे, क्या टास्क करने पड़ेंगे, यू हैव नो आइडिया. आई मीन लाइफ में आपको कितना कुछ देखने को मिलेगा उधर. सो ये जो 3-4 महीने होने वाले हैं ना ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं. और अदर शोज से ये काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे शोज होते हैं, खतरों के खिलाड़ी है एंड डांस दीवाने, वहाँ पे आप अपना टैलेंट लेकर जाते हो डांस दीवाने में, खतरों के खिलाड़ी में आप अपनी वो दैट पोटेंशियल की आप हर चीज़ से लड़ सकते हो. पर बिग बॉस इज समथिंग विच इज़ मिक्स्ड, हर रियलिटी शो का मिक्सचर है बिग बॉस. तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है. मेरे की स्ट्रेंथ्स अगर मैं बोलूँगी तो सी मेरे इमोशंस बहुत हाइटन रहते हैं. मेरे इमोशंस मेरी की स्ट्रेंथ ज़रूर बनेंगे क्योंकि आई डोंट हाइड, आई डोंट कंट्रोल माय इमोशंस बिकॉज मुझे ये लगता है कि आपको इमोशंस भगवान ने दिए हैं तो जस्ट बाहर आने दो, इट्स टोटली ओके. ये मेरी की स्ट्रेंथ बन सकता है. एंड सेकेंड थिंग जो मेजर चीज़ है वो ये है कि द रियल साइड ऑफ मी, आई एम वेरी रियल, आई कॉन्ट फेक थिंग, आई कॉन्ट फेक एट ऑल. मतलब मैं फेक चीज़ें नहीं कर सकती, मैं फेक दिख नहीं सकती या मैं दिखा नहीं सकती कि ओ मैं बहुत अच्छी सी हूँ या नहीं हूँ. वट एवर, जो मैं हूँ वही हूँ और ये रियल साइड ही मेरा बिग बॉस में आपको देखने को मिलेगा. सो या यस, अगर अब मैं बोलूँगी मुझे कुकिंग नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घरेलू नहीं हूँ. ट्रस्ट मी, आई एम समबडी जो घर की लड़की भी, मतलब जो घर पे भी बहुत अच्छी घरेलू लड़की बन के रह सकती है, जो बाहर जाएगी तो बिल्कुल डिफरेंट, अ बेब, आई एम दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल. तो ऐसा नहीं कि मुझे किचन का काम नहीं आता या घर का काम नहीं आता, मुझे काम आता है और मुझे किचन का काम भी, चपाती मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ. सो आई कैन मेक चपाती, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनका मैं चपाती से पेट जरूर भर सकती हूँ. आई कैन मेक सब्जी ऑल्सो, बट द प्रॉब्लम इज मैंने ज़्यादा कभी बनाई नहीं है तो आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क यार, पता नहीं मसाला ऊपर नीचे हो, कोई कंटेस्टेंट बिगड़ जाए, बेमतलब का झगड़ा क्यों करना है. सो आई वुड प्रीफर कि मैं सब्जी ना बनाऊँ. आई जस्ट नो द प्रोसेस बट आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू इट. आई मेक चपातीज. अब्यूज ना मैं कभी करती हूँ और ना मैं चाहूँगी कि कोई करे. दिस इज़ समथिंग आई रियली डोंट लाइक. मतलब मेरे घर पे परिवार पे भी कभी अलाउड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. अब्यूज़ क्यों करना है किसी को, दैट्स वन थिंग आई वोंट लाइक. एंड सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर गॉसिपिंग अबाउट मी इट्स टोटली ओके, एवरीबडी डज, इवन आई डू, इट्स टोटली ओके. बट देन हैव गट्स टू से इट इन फ्रंट ऑफ मी ऑन माई फेस, सो दैट इज़ ओके. अगर आप मेरे सामने स्वीट बनो अगर पीछे से गॉसिप करोगे दैट आई वोंट लाइक इट बिकॉज आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल. मैं भी आपकी गॉसिप कर सकती हूँ बट आई हैव गट्स कि मैं आपको मुंह पे भी आके बोलूंगी हाँ यार ये बात अच्छी नहीं लगी थी मुझे, मैंने बोला था. इट्स टोटली फाइन, आई मीन जस्ट बी हु यू आर, दैट इज इट. सो बेसिकली नो, मैं
मैं कभी भी किसी का सोच के कुछ नहीं करती हूँ, ट्रस्ट मी. मतलब लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, आई डोंट थिंक अबाउट इट अनलेस अंटिल वो चीज़ मेरी नज़र में अगर सही है या गलत है. अगर वो मेरी नज़र में सही है, आई वोंट माइंड डूइंग इट, ट्रस्ट मी. मैं हूँ ऐसी ही हूँ, बचपन से ही ऐसी हूँ. जो मेरी नज़र में सही है मैं वो चीज़ करूँगी. उसके लिए मे भी शायद हो सकता है मैं बहुत लोगों की नज़र में गलत हूँ. मैं उन लोगों को भी गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि हर कोई अलग तरह से देखता है, हर अलग तरह से सोचता है. बट हाँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर तो शायद मैं नहीं कुछ करूँगी. मैं वही करूँगी जो मेरे मन को सही लगेगा. और मैं कभी भी बाउंड्रीज एनी वेज क्रॉस नहीं करती. सो यस, आई थिंक आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू. आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उन सब की वजह से ही मेरा डिसीजन हुआ है कि मैं आज बिग बॉस में हूँ. एंड सेकेंड थिंग, जस्ट कीप सपोर्टिंग मी गाइज, कीप लविंग मी. आई नो यू गाइज लव मी सो मच एंड आई हैव फेल्ट इट, ट्रस्ट मी. हर दिन वो ट्वीट ट्रेंड्स एंड हर दिन हमें इतने DMs, फैंस के इतना प्यार, आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड, ट्रस्ट मी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे एक आम सी बंदी को इतना प्यार मिलेगा. सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई जस्ट वॉन्ट कि ऐसा ही प्यार आप मुझे आगे भी करते रहें. एंड आई एम ऑलवेज देयर टू मेक यू प्राउड, ट्रस्ट मी.